तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक अकाउंट कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे खोल सकते हैं और आपका जो भी चेकबुक ATM होगा आपके 5 से 6 दिनों के अंदर में आपको एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा और आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड हाँ तुरंत मिल जाएगा। अब आप नेट बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग बना सकते हैं और तुरंत आपको जो भी अकाउंट डिटेल्स हैं सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में बताने वाले कैसे आप ऑनलाइन घर बैठे अपना जो IDFC फर्स्ट बैंक में अकाउंट खोल सकते हैं घर बैठे ऑनलाइन। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके मन में कोई भी डाउट है कि कन्फ्यूजन है तो कमेंट करिए, उसका तुरंत रिप्लाई मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे जहां से अपना जो अकाउंट खोल सकते हैं। आप यहां देख सकते हैं यहां कुछ 6% इंटरेस्ट बता रहा है और आपको कुछ डिटेल्स इसमें फिलअप करना होगा। यहां से वीडियो को स्टेप बाय स्टेप आप समझिएगा तभी आपका जो समझ में आएगा वीडियो। तो जैसे कि सबसे फर्स्ट में अपना मोबाइल नंबर डालना होगा जो कि आपका आधार कार्ड से लिंक है, उस मोबाइल नंबर को डालना होगा। उसके बाद ईमेल एड्रेस को, उसके बाद अपना आधार कार्ड का नंबर डाल के उसके बाद आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही सेंड OTP क्लिक करते हैं उसके बाद जो आपका आधार OTP वेरीफाई कर रहा है आपको कुछ देर वेट करना होगा। यहाँ ऑथेंटिकेट और आधार नंबर लिख रहे हैं, उसके बाद जो भी आप नंबर डाले हैं उस नंबर पर आपके पास एक OTP जाएगा 6 अंकों का। जैसे कि हमें OTP आ चुका है उसके बाद यहाँ वैलिडेट OTP का ऑप्शन भी खुल जाएगा, तो आपको यहाँ OTP डाल देना होगा। OTP डाल देने के बाद आपको यहाँ अप्लाई नाउ का ऑप्शन नीचे होगा, उस वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं अपना अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ, जैसे अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा। सर्वर थोड़ा स्लो चलता है क्योंकि मोबाइल से अभी काम कर रहे हैं तो इसका स्लो चलता है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा आपका आधार डिटेल्स आ जाएगा जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और भी बहुत सारे यहाँ जानकारी आपको शो करने लगा जैसे कि एड्रेस। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका यहाँ परमानेंट अकाउंट नंबर लिखना है, इसमें आपको पैन नंबर डालना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर लिख रहा हूँ, इस वाला ऑप्शन पे आपको पैन नंबर जो भी आपका पैन नंबर है उसको डाल देना होगा। उसके बाद आपको नीचे कम्युनिकेशन एड्रेस सेम एज माई एड्रेस आपको नीचे एक खंड डाला होगा, इसको टिक कर देना होगा क्योंकि जो भी मेरा एड्रेस है आधार कार्ड का वहीं हमारा एड्रेस होना चाहिए। उसके बाद के सामने कुछ ऑप्शन आएगा, आपको नीचे प्रोसीड विथ माई आधार एड्रेस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे कि प्रोसीड विथ माई आधार पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद आपके सामने यहाँ एड्रेस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, एड्रेस टाइप में आपको रेसिडेंटल सेलेक्ट कर देना होगा। जैसे कि रेसिडेंटल सेलेक्ट करते हैं उसके बाद नीचे जो आप क्या चीज़ काम करते हैं सेल्फ एम्प्लॉय या कंपनी में क्या चीज़ करते हैं आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद आपको यहाँ सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आपको जो आपका आधार जो भी आपका ATM कार्ड पर फोटो आएगा आपका राहुल कुमार के नाम से आपको यहाँ शो करने लगा। उसके बाद आपको नीचे योर प्रेफरेंट ब्रांच लोकेशन का ऑप्शन खुलेगा, जैसे कि इस ऑप्शन पर क्लिक करके जो भी आपका नज़दीकी इसमें ब्रांच होगा उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे कि मैं अपना ब्रांच कोई सा एक अच्छा ब्रांच आपको सेलेक्ट कर लेता हूँ जो कि मेरे घर से नज़दीक हो, ठीक है, इससे कोई परवाह नहीं पड़ेगा। तो चलिए अपना ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको नीचे अपना जो मदर नेम का जो टाइटल आपको सेलेक्ट चेंज करना होगा, जो भी अपना मदर नाम यानी माता का नाम का टाइटल आप लगाना चाहते हैं उसके बाद आपको यहाँ मदर्स फर्स्ट नेम आपको डाल देना होगा। जैसे कि अपना सिर्फ अपना मदर का फर्स्ट नेम डालिएगा, जैसे भी देवी होती है, कुमारी होते हैं, खातून होते हैं, आपको नहीं डालना होगा, सिर्फ अपने नाम का डालना होगा और स्पेस भी नहीं देना होगा। उसके बाद तभी आपका सेलेक्ट होगा। जैसे कि अपना मदर नेम डाल के आपको इस तीर वाले ऑप्शन पर नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो जैसे कि मैं अपना माता का नाम डाल के इस पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ कुछ एक्वेशन जो सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, इसमें भी आप सेलेक्ट कर लीजिए क्या आप करते हैं एक बार और जो आता है इसका आपको, तो इसमें आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहता हूँ तो आप इस फिर से आपको सेलेक्ट कर सकते हैं क्लिक करके। उसके बाद आपको यहाँ कंपनी नेम छोड़ देना होगा। उसके बाद एक्यूपेशन टाइप आपको एक ऑप्शन खुल कर रहा होगा, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अपना जो भी स्टूडेंट हैं, फार्मर हैं, होमवर्क मेकर जो भी आप हैं वो आपको सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सोर्स इनकम आ रहा हो जैसे कि सैलरी फैमिली से सेविंग से, तो जैसे कि मैं सैलरी सेलेक्ट कर लेता हूँ आप कोई भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ग्रोस एनुअल इनकम यानी साल में आप कितना कमाते हैं आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा है, जैसे कि आप कुछ भी डाल सकते हैं और आपको इसको बाद में अपडेट करना चाहेंगे तो भी आप बाद में इसे अपडेट कर लेंगे खाता खोलने के बाद। तो इसके बाद आप नीचे आपको आके सेलेक्ट करना होगा कि आपको अब तक कहाँ तक पढ़े हैं, तो जैसे कि मैं आप जो भी सेलेक्ट करना होगा सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको नीचे पैलेस ऑफ बर्थ का एक लास्ट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपका जन्म कहाँ स्थान कहाँ हुआ है, तो जैसे कि जो भी आपका जन्म स्थान होगा आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ उसके बाद इस तीर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा जो कि आपको रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा। जैसे इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा और जो भी आपका आय का प्रोसेस आपको शो करने लगेगा, जो कि आप देख सकते हैं हमारा ATM कार्ड सेलेक्ट हो चुका है ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको देख सकते हैं नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा, उसके बाद नीचे आकर आपको यहाँ आपको यस पिकअप में लिखा होगा, उसके बाद कुछ नहीं करना है इसमें आपको छेड़छाड़। उसके बाद I-12 फंड लेटर आपको इस नीचे वाला सेलेक्ट कर लेना होगा, जैसे कि I-12 फंड लेटर आपको इस पे नीचे का वाला सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि बाद में हमें जो पैसा इसमें ऐड करना है। उसके बाद ओपन अकाउंट नाउ का ऑप्शन एक आपके सामने खुल कर होगा जो रेड कलर में, तो आपको इस पे वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको कुछ देर वेट करना होगा, उसके बाद आपका जो अकाउंट डिटेल्स आपको यहाँ आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि मैं कुछ देर
डेबिट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बताएंगे क्या क्या आपको करना होगा आगे का प्रोसेस में। तो जैसे कि मैं कुछ डेबिट करता हूँ क्योंकि बहुत स्लो चलता है वेबसाइट, यहाँ लास्ट में जहाँ अकाउंट नंबर मिलने का जो ऑप्शन आता है, तो जैसे कि हमें अकाउंट नंबर मिल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं कांग्रेचुलेशन राहुल कुमार, ये सभी अकाउंट सक्सेसफुल ओपन, यानी अकाउंट सक्सेसफुल ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको कनेक्ट नाउ पर क्लिक करके यहाँ से वीडियो कॉल KYC कर सकते हैं, जो कि पैन कार्ड और पेपर के साथ लेकर। उसके बाद अगर शेड्यूल फोर लेटर पर क्लिक करके और आप इसे बाद में KYC करना चाहते हैं तो आपको शेड्यूल भी कर सकते हैं कि बाद में KYC करेंगे, या आपको काट करके बाहर निकल सकते हैं इस पेज पर से। तो जैसे कि मैं शेड्यूल लेटर कर लेता हूँ, और आपको एक बात बता दें कि आपको पैन कार्ड पर जो भी अभी आपका अकाउंट नंबर तो आपको तुरंत मिल जाएगा मेल पर, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं साइड में हमें मिल चुका है मेल पर अकाउंट डिटेल्स, कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर और भी बहुत वगैरह चीज़। जैसे कि मैं यहाँ शेड्यूल लेटर करके हम बाद में KYC करेंगे, तो मैं अभी शेड्यूल कर लेता हूँ। मैं आप लोगों को बता दूँगा अपना जो ईमेल आईडी चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर तुरंत आपको जो अकाउंट नंबर मिल जाएगा, अपना नेट बैंकिंग बना लीजिएगा और KYC करने के लिए आपको शेड्यूल कर लेंगे, और आपका ATM और चेकबुक आपके 4 से 5 दिन में आपका जो एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। और आप जाके IDFC फर्स्ट में मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसमें लॉगिन कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आपके मन में कोई भी डाउट है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो।